दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी घर का भेदी के बारे में, जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और माधुरी दीक्षित। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सत्यन पाल चौधरी। तो दोस्तों, ये बात है साल 1990 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं की, तो घर का भेदी एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली थी, जिसकी स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की एज और इमेज को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। जहां इस फिल्म में अमिताभ बच्चन घर के सरबरा दिखाई देने वाले थे, और इसके अलावा अगर फिल्म के टाइटल पे ध्यान दें तो घर का भेदी टाइटल कहीं ना कहीं बेट्रियल और धोखे जैसे एलिमेंट को भी पोर्ट्रे करने वाला था। जहाँ इस फिल्म की थीम में भी कुछ इस तरह से हो सकती थी कि धोखे की खासियत होती है कि इसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है, और ये देखना बेहद दिलचस्प होता कि ये फिल्म किस इंटेंसिटी और प्रेमिसेस में लिखी गई थी। और देखा जाए तो इस दमदार स्टार कास्ट के साथ तो घर का भेदी एक इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही थी, जिसकी कहानी भी प्रकाश मेहरा ने पूरी तरह से रेडी कर ली थी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की हाँ का ही वेट कर रहे थे। मगर अफसोस के साथ अमिताभ बच्चन, जो खुद इस फिल्म की इंस्पिरेशन थे, उन्होंने कभी इस फिल्म को हाँ ही नहीं कहा, और ऐसे ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और माधुरी दीक्षित की ये घर का भेदी मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती, तो क्या ये मूवी भी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की बाकी कामयाब मूवीज़ की तरह सुपरहिट बन पाती या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।